नमस्कार, न्यूज दिस वीक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणेश। आई नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई भारी गिरावट, आज रात से ही हो चुकी है सस्ती दरें लागू। भारत के 26 शहरों में एक साथ शुरू हुआ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 का आयोजन। न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी नए वित्त वर्ष की शुरुआत आज से हो चुकी है। आपको बताएंगे कि क्या हुआ आपके लिए सस्ता और क्या हुआ महंगा। जियो के ग्राहकों को प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए 15 दिनों का और समय मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने की आखिरी तारीख भी इस हफ्ते समाप्त। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से दी शिकस्त। 85 साल के बाद बंद हुआ दिल्ली का रिगल सिनेमा और इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म बेबी का प्रीक्वल नाम शबाना। और अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल और डीजल की दरें सस्ती हो गई हैं। आज रात से पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट होते हुए एक तरफ जहां पेट्रोल 3.77 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया, वहीं डीजल के दाम प्रति लीटर 2.91 रुपये कम हो गए। दुनिया में सबसे बड़ा और अपने आप में बिल्कुल अलग स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आज भारत के 26 शहरों में एक साथ शुरू हो गया। 36 घंटे तक लगातार चलने वाले इस हैकाथॉन में करीब 10,000 इंजीनियरिंग के छात्र शामिल हो रहे हैं। ये छात्र 29 सरकारी विभागों और मंत्रालयों की 600 समस्याओं का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए डिजिटल समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शाम इन छात्रों से बातचीत करेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके भी दी है। आज पेट्रोल डीजल सस्ते होने के अलावा न्यू फाइनेंशियल ईयर में कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं तो कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं। आपको संक्षिप्त में बताते हैं, जो महंगा हुआ उनमें शामिल हैं गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और कमर्शियल वाहनों के बीमा, तंबाकू से बने पान मसाले और गुटखे, सिगरेट, LED बल्ब, चांदी के बर्तन और चांदी से बनने वाले सामान, मोबाइल फ़ोन, स्टील और एल्युमिनियम से बने सामान। वहीं कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, जैसे कि रेल टिकट, आवास यानी घर, डाक सेवा, RO मशीन और लेदर से बने सामान। जियो के ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी है, कंपनी ने अपनी फ्री सर्विस की अवधि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है। रिलायंस जियो के प्राइम सर्विस के लिए सब्सक्रिप्शन अब 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास स्थान पर करीब आधे घंटे का जनता दरबार लगाया। उनके दरबार में कई मुस्लिम महिलाएं भी उनसे मिलने पहुंची थीं। केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगाने के बाद उन्हें जमा कराने की अंतिम तारीख कल यानी 31 मार्च को खत्म हो गई। पुराने नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में कल तक जमा करवाए जा सकते थे। राजधानी दिल्ली में भी RBI के सामने कल काफ़ी लोग पुराने नोट जमा करवाने के लिए एकत्रित हुए थे। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत ने इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल कर ली। अंतिम टेस्ट मैच धर्मशाला में खेला गया। वहीं भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के अंतिम मैच में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों ही खिताब उनके नाम रहे। पिछले 85 साल से चल रहे दिल्ली के कनॉट प्लेस में रिगल सिनेमा इस हफ्ते के शुक्रवार को अपने अंतिम शो के साथ बंद हो गया। शो के अंतिम दिन की समाप्ति फिल्म मेरा नाम जोकर और संगम के साथ की गई। इस सिनेमा हॉल से कई फिल्मी हस्तियों और जनता की यादें जुड़ी हुई थीं। हालांकि अब यह सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स में तब्दील होकर फिर से एक बार दर्शकों के लिए तैयार किया जाएगा। और इस हफ्ते साल 2015 में आई फिल्म बेबी की प्रीक्वल नाम शबाना बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म में तापसी पन्नू एक बार फिर से मुख्य भूमिका में है, जबकि अक्षय कुमार का किरदार कम समय का ही है। तापसी पन्नू की लीड रोल में काफी सराहना की जा रही है। न्यूज दिस वीक में अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट voicepeople.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।